फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री विज्ञान प्रकाश में। तो आज 27 जुलाई, आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बता दें आपको कि JEE एडवांस जो है ये परीक्षा 3 अक्टूबर को होने वाली है। अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है इसमें, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सोमवार को ट्वीट करके जानकारी दी है। और इसी के साथ ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती होने वाली है लगभग 58,189 पदों पर। तो ये भर्ती 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच आवेदन इसके लिए लिए जाएंगे, तो इस पर करेंगे विस्तृत चर्चा। साथ साथ आपको बता दें कि 800 इंजीनियर्स यानी कि अभियंताओं की जल्द ही भर्ती शुरू होने वाली है। 800 अभियंताओं और आउटसोर्सिंग जरिए इनकी भर्ती की जाएगी। इसमें 200 सहायक और 600 अवर अभियंता रहेंगे। तो चयन बोर्ड ने TGT 2021 का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT 2021 की भर्ती का जो प्रवेश पत्र है उसे जारी कर दिया है। इसे आप upscssb.org और parikshaup.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र जो रहेगा ये 8 अगस्त तक रहेगा। तो फिलहाल तो स्थिति ये बनी हुई है कि वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मतलब मैंने खुद ट्राई किया हुआ है तो यहाँ पर जो वेबसाइट है बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। तो जहाँ पर इंटरनेट या ब्रॉडबैंड की सुविधा होगी काफ़ी फास्ट, वहीं पर अभी ये प्रश्न डाउनलोड होंगे। लेकिन घबराइए मत, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी हिट ज़्यादा हो रही है तो वेबसाइट चल नहीं रही है, वेबसाइट भी चलेगी। TGT के लिए 12,603 पद हैं और PGT के लिए कुल आप जान रहे हैं कि 2500 के आसपास पद हैं। तो 12,603 पदों पर कुल 7,10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो प्रतियोगिता काफ़ी कठिन है। और अगर हम ऑल ओवर देखें तो TGT से कठिन PGT की राय है, क्योंकि PGT में BEd की अनिवार्यता नहीं है। तो प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता की राह TGT से कठिन लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन आए हैं तो उसका जो रेशियो है, प्रवक्ता के 2595 पद थे लगभग 2600, और इसमें 4,73,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। यानी कि एक सीट के लिए औसतन 182 बेरोजगार परीक्षा देंगे, क्योंकि TGT के लिए 12,603 पद हैं और इस पर मात्र कितने आए हैं, 7,10,000। तो इस पर मात्र कितने हैं, 56 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर रेशियो आप देख सकते हो 182 एक सीट पर है PGT के लिए, 56 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर PGT के लिए। हालांकि विषयवार जो लड़ाई होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर विषयों की संख्या जो है उसमें जो पदों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। और चयन बोर्ड ने 7 और 8 अगस्त को TGT और 17 और 18 अगस्त को PGT की तैयारी की है परीक्षा कराने की। और 2016 की भर्ती में कुल 10,71,000 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि 11,84,000 आवेदन आए हैं 2021 वाली भर्ती में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जुलाई को 2016 TGT जीव विज्ञान की परीक्षा भी होने जा रही है। और सबसे अधिक आवेदन कहाँ से आए हैं, प्रयागराज और जौनपुर से सर्वाधिक आवेदन आए हैं TGT और PGT दोनों के लिए। हालांकि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रतापगढ़ जैसे जिलों से भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। परीक्षा के दिन केंद्रों पर जो इंटरनेट रहेगा वो बंद रहेगा, और कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं पा सकेगा। कोई अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा भवन नहीं छोड़ सकेगा। प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर 2 कक्ष निरीक्षक होंगे। तो यहाँ पर एक कक्षा में 24 कक्ष निरीक्षक होंगे, 24 परीक्षार्थी होंगे, जिस पर 2 वहाँ पर रहेंगे सुपरवाइज़र यानी कि कक्ष निरीक्षक। और एक तैयारी और भी की गई है कि जो पर्यवेक्षक रहेंगे कक्ष निरीक्षक, कोशिश की जा रही है कि वो अलग विभागों से हों, ताकि इस पर भी लगाम लगाई जा सके। और ख़ास बात क्या है कि DM की अध्यक्षता में परीक्षा से एक हफ्ते पहले बैठक होगी। 3 दिन पहले OMR आधारित उपस्थिति और उत्तर पत्र भेजे जाएंगे। परीक्षा वाले दिन प्रश्न पत्रों को डबल लॉक से केंद्र तक पहुंचाएंगे, और 50% आंतरिक और 50% बाहरी कक्ष निरीक्षक होंगे। तो यहाँ पर एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल रहेंगे। इस प्रकार से ये परीक्षा करवाई जाएगी। और इसी के साथ TGT PGT परीक्षा में 50% कक्ष निरीक्षक दूसरे विभागों से होंगे। तो ये सूचना भी अलग से यहाँ पर आई हुई है। तो प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर लेना, अभी चिंता मत करो। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है आराम से मोबाइल से डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी थोड़ी सी बिजी तो साइट रहेगी, क्योंकि आवेदक लगभग 11,00,000 से अधिक हैं, तो साइट तो बिजी जानी ही जानी है। और सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे, बार बार ट्राई कर रहे होंगे। 11,00,000 की संख्या कम नहीं होती है, हिट्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वेबसाइट यहाँ तक तो खुलती है, इसके बाद फिर नहीं ओपन होती है, ठीक है।
तो देखो कैट ने पूछा पासपोर्ट से भी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया क्यों, बात यहाँ पर रही रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। आवेदन के दौरान 4.5 लाख छात्रों के फॉर्म निरस्त किए जाने के मामले की सुनवाई सोमवार को भी हुई है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद कैट में चल रहे इस मामले में याचिकाकर्ता छात्र के अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र और रेलवे अधिवक्ता के बीच जोरदार बहस हुई। दोनों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। सिद्धार्थ मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अख्तियार किया है, कहा कि RRC की आवेदन की प्रक्रिया पासपोर्ट से भी कठिन है। ऐसा क्यों हुआ कि 4.5 लाख आवेदनों के छात्रों के जो आवेदन थे वो निरस्त हो गए और रेलवे के अधिवक्ता ने कुछ कागज़ पेश करने को मंगलवार तक का वक्त मांगा। अब सुनवाई 27 जुलाई को होगी यानी कि आज, और इसी पर देखेंगे कि क्या होती है सुनवाई में, ठीक है। PCS की उत्तर कुंजी के बारे में बात करें तो प्रतियोगी छात्रों ने सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन सेवा 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां लेकर परिणाम जारी कर दिए, लेकिन फाइनल जो आंसर की थी वो जारी नहीं हुई, तो वो भी जारी होनी चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस यानी कि CAPF SI और CISF में ASI भर्ती 2019 का पेपर 2 सोमवार को मध्य क्षेत्र के 3 केंद्रों पर हुआ। तो यहाँ पर लगभग 89% अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित रहे और ये काफ़ी अच्छी बात है कि संख्या इस बार काफ़ी अधिक रही। आपने देखा होगा कि NTPC की परीक्षा में तो 60% तक अभ्यर्थी जो है परीक्षा छोड़ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो NTPC की परीक्षा दे ही नहीं रहे रेलवे की। ग्राम सचिवालयों के कामकाज में सहूलियत हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर 58,000 ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती 30 जुलाई से शुरू हो रही है। आवेदन 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच लिए जाएंगे और ये जो आवेदन होंगे इसे आप जमा कर पाएंगे अपने प्रधान के यहाँ। इसके अलावा पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री के ऑपरेटर का जो पद होगा, तो इस पर उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, योग्यता भी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सचिवालय के संचालक ने सहायक की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जाएगी। यह जानकारी पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दी है। सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र जो होंगे ये आप ग्राम पंचायत विकास खंड या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। शैक्षिक अर्हता, आयु और जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो आपका अंक होगा उसी के औसत पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हाई स्कूल और इंटर हो गया तो मान लेते हैं एक में 60% है, दूसरे में 70% है, तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 130 नंबर हो गया ना, तो 130 में फिर आपको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ये आपका एवरेज निकलेगा और इस प्रकार से 65 आपका एवरेज हुआ। तो इसी प्रकार से और यहाँ पर देखो तो जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में ये है कि ये जो चयन है वो न्यूनतम 1 जुलाई 2021 को उम्र सीमा 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष की छूट भी होगी, लेकिन आवेदक उसी गांव का निवासी होना चाहिए। जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर रिजर्वेशन है, प्रधान का जब चुनाव हो रहा था प्रधानी का, तो वहाँ पर उसी श्रेणी का अभ्यर्थी होगा। अगर सामान्य है तो कोई भी वहाँ पर आवेदन कर पाएगा। और देखो यहाँ पर नमामि गंगे में 800 अभियंताओं की भर्ती होगी, तो यूपी सरकार अब हर घर नल योजना में और तेज़ी लाएगी। इसके लिए 800 अभियंताओं की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें 200 सहायक अभियंता और 600 और अभियंता रहेंगे। तो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बना लिया है। सहायक अभियंताओं को 50,000 रुपये महीना और अवर अभियंताओं को 30,000 रुपये महीना देने का प्रस्ताव है। इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री शैक्षिक योग्यता तय की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 18 पद हैं, बाकी 132 सिविल इंजीनियरिंग के पद हैं। इसमें ग्रेड पे 5400 के लिए न्यूनतम 56,100 रुपये तय हैं। शून्य अनुभव के कारण 50,000 रुपये मिलेगा, तो इस प्रकार से होगा। और राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के उन पदों पर नए ग्राम रोजगार सेवकों का चयन करने का निर्णय लिया है जिन पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के करीबी परिजन तैनात कर दिए गए हैं। और इस संबंध में ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए ग्राम पंचायतों के रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक, तो ये जो भर्ती होगी उसमें ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों यानी कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी
विस्तृत दिशा निर्देश सोमवार को जारी कर दिया गया है। चयन की कार्रवाई 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों और रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चौधरी ने लोकभवन में प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। संबंधियों में पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ आदि आते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है प्रधान नहीं कर पाएंगे ग्राम सहायक के पद पर। और देखिए, ग्राम सचिवालयों के लिए अब हर पंचायत को 1,75,000 रुपये भी मिलेंगे। कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा होगी। सीसीटीवी की निगरानी में होगा पूरा ग्राम सचिवालय। तो यहाँ पर कुर्सी, ऑफिस, कंप्यूटर, मेज, स्टील अलमारी, रैक, सोलर पैनल, 2 बैटरी और इन्वर्टर, दरी, पंखा आवश्यकता अनुसार, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्पज प्रिंटर, वेबकैम, सब कुछ रहेगा यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर 1,75,000 रुपये हर जो मतलब यहाँ पर होता है क्या ग्राम सचिवालय उनको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें यहाँ पर कि 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और जो अलग जानकारियाँ होंगी तो उसको भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। UPSC PT की परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है फ्री की वो स्टार्ट कर दी गई है और ये बिल्कुल मुफ्त है और बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो किसी भी पेड मटेरियल से अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। तो इसका जो चौथा वीडियो है ये कल अपलोड कर दिया गया था, तो इस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देखिए कि कितने उत्तर आपके सही होते हैं। सभी प्रश्न बिल्कुल टू दी पॉइंट और उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार के प्रश्न आप परीक्षा भवन में देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका जो स्कोर है उसको आगे बढ़ाने में बिल्कुल समर्थ हैं। तो आप अपने स्कोर को और अच्छा बनाते रहिए। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।